अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जी फूड्स। यस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको मटन शामी कबाब बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मटन शामी कबाब बनाने के लिए मैंने मटन का कीमा लिया है आधा किलो। आप चाहे तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं। और एक प्याली दाल, चने की दाल को मैंने जो है वो रात से भिगो के रखा हुआ था। आप चाहे तो 3 से 4 घंटा पहले भी भिगो सकते हैं। व्यूअर्स, फेस के बाद एक अदद छोटे साइज का प्याज इस तरह से कटा हुआ, और फिर थोड़ा सा लहसुन, और फिर इसके बाद साबुत गरम मसाला। और फिर इसके बाद 5 अदद सब्ज मिर्चें साबुत। और फिर इसके बाद नमक 1 चम्मच, सूख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, और पानी 1 ग्लास। व्यूअर्स, इन सारी चीज़ों को डाल के प्रेशर कुकर को बंद करके हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको पकाना है। व्यूअर्स, तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, अब मैं अपना प्रेशर कुकर खोलने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, अब देख रहे हैं कीमा और दाल जो है वो गल चुके हैं। पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। व्यूअर्स, अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। व्यूअर्स, पीस के बाद यहाँ पे मैंने एक कुंडी लेनी है, इसमें मैंने इसको डाल के अच्छी तरह से इसको पीस लेना है इस तरह से। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसको कीमे और दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब मैंने इसमें डाल देना है 1 अदद अंडा। अंडे को डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने जो है हाथ की मदद से इस तरह से कबाब बना लेने हैं। व्यूअर्स, अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इस तरह से कबाब बना लिए हैं, अब हमने इनको फ्राई करना है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डालना है। व्यूअर्स, आपने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना। ऑयल के अच्छी तरह से गर्म होने के बाद मैंने इसमें जो है शामी कबाब को डाल देने हैं।
और व्यूअर्स इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको जो है वो फ्राई करना है। फिर आपने इनके साइड को जो है वो पलट देना है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आई है इनकी। एक साइड से ये पक चुके हैं। व्यूअर्स दोनों साइडों से आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। व्यूअर्स हमारे जो हैं मटन शामी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। व्यूअर्स आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। व्यूअर्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।